जी, कार्यकारिणी के सभी सदस्यगण, मंचासीन सभी नेतागण और पूरे देश भर से यहाँ पर आए कांग्रेस के पदाधिकारी और नेतागण। साथियों, आज का जो कार्यक्रम है ये कांग्रेस पार्टी की ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए यहाँ पर बुलाया गया है। जनवेदना आज सिर्फ इस सभाघर में नहीं, लेकिन इस देश के 125 करोड़ आबादी में हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि 8 नवंबर को प्रधानमंत्री ने जो घोषणा करी वो नोटबंदी की घोषणा जरूर थी, लेकिन पिछले 7 दिनों में नोट बदली हो रही है, हाहाकार मचा है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में, दिहाड़ी करने वाले को, खेत मजदूर करने वाले को, जो दिन भर मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पालता है उस पर आज क्या गुजर रही है, उसकी वेदना को समझने के लिए, प्रकट करने के लिए आज कांग्रेस पार्टी यहाँ पर एकत्रित हुई है। राहुल गांधी जी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री जी योगा करते हैं लेकिन पद्मासन नहीं करते। बिल्कुल सही बात है राहुल साहब। राहुल गांधी जी, प्रधानमंत्री को पद्मासन करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान का सिंहासन कर रखा है। पूरे हिंदुस्तान में आज ऐसे हालात बचे हुए हैं और जवाब देने को तैयार नहीं है, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना पत्रकारों को कोई सवाल नहीं पूछ सकता। फेडरल स्ट्रक्चर की बात करने वाले प्रधानमंत्री बताने को चूकते हैं कि कितने मुख्यमंत्रियों से बात करी आपने नोटबंदी करने से पहले, आरबीआई को आदेशित किया और देश में एक आर्थिक आतंक आपने पैदा कर दिया। साथियों, देश में भाजपा के नेता बोलते हैं कि हम भारतीय संस्कृति का संरक्षण करने वाली पार्टी है, हम देश के इतिहास को, देश के धर्म को जानते समझते हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेताओं से, प्रधानमंत्री जी से, कि आपने जब नोटबंदी लागू करी, देश को कैशलेस करने का जब आपने फरमान जारी किया, आपको पता है कि इस देश में घर कैसे चलते हैं, गृहिणी अपना गुजारा कैसे करती हैं, आपको मालूम है कि इस देश में शगुन दिया जाता है, लगन दी जाती है, मुंह दिखाई दी जाती है, सूचक दिया जाता है, वो सारा पैसा आप कार्ड में देना चाहते हैं, चेक में देना चाहते हैं, आपको हिंदुस्तान की पसंद नहीं है, आपको हिंदुस्तान के बारे में मालूम नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी ने बीड़ा उठाया है कि आने वाले समय में जो पहले चरण में हमने कार्यक्रम किए, लोगों की आवाज को बुलंदी दी, आने वाले समय में और आक्रामक तरीके से हम इस बात को उठाएंगे। भाजपा बोलती थी, प्रधानमंत्री ने बोला, काला धन, आतंकवाद, अलगाववाद, फर्जी नोट, फेक करेंसी सब खत्म हो जाएगा। 10 दिन के अंदर अपनी बात बदल दी और कहा इस देश को कैशलेस करना है। वो 100 रुपए का नोट जो कई बार हाथ बदलता है उससे कोई खर्चा नहीं होता, लेकिन वही 100 रुपए का अगर आप कार्ड से इस्तेमाल करोगे तो हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं उसी 100 रुपए को इस्तेमाल करने के लिए। किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए? चंद लोग जो सूट बूट पहनते हैं उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने पूरे देश में आज एक ऐसा माहौल बनाया है कि आर्थिक मंदी आ चुकी है। अभी चिदंबरम साहब ने बोला, मनमोहन सिंह जी ने बोला, इस देश को पीछे धकेलने का काम आपने किया है। आज महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, अपराध हो, हमारे दलित भाई बहन, हमारी महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, उस पर ध्यान बटाने के लिए आपने नोटबंदी का फरमान जारी किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश की आवाज बनकर सड़कों पर उतरेगी और हम सब मिलकर संघर्ष करेंगे और भाजपा को मजबूर करेंगे, जैसे राहुल गांधी जी ने मजबूर किया था जमीन अधिग्रहण जब लेकर आए थे, 8 बार अध्यादेश लेकर आए पार्लियामेंट में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का कि 45 सांसदों की ताकत पर आपने प्रधानमंत्री के घुटने टेक दिए और जमीन अधिग्रहण का हमने बिल वापिस करवाया। राहुल गांधी जी, पूरी कांग्रेस पार्टी सिर्फ सभागार में मौजूद नेतागण नहीं, मैं समझता हूँ लाखों करोड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता आज इंतजार नहीं करेंगे। आप एक बार आदेश कर दीजिए, पूरे देश में जाकर हम लोग हाहाकार मचाएंगे और बीजेपी की नींद उठाकर छोड़ेंगे। हम ये साबित करके छोड़ेंगे कि मोदी जी की तानाशाही नहीं चलेगी। ये देश संस्थानों का देश है, ये इंस्टीट्यूशन का देश है। जैसा आपने कहा कि हमने 60-70 सालों में पाल पोस कर इंस्टीट्यूशन को पैदा किया, बड़ा किया, उनका संरक्षण किया और मोदी साहब ने पिछले 2.5 साल में सब कुछ ध्वस्त कर दिया है, लेकिन इस देश को बचाने के लिए, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी आपके नेतृत्व में संघर्ष करने के लिए तैयार है। पारदर्शिता की बात करते हैं, अभी कहा कि भाजपा के खातों का विवरण देंगे,
आप अगर भाजपा के खातों का विवरण देंगे तो वहां पर मत रुकिएगा। आप बताइए कि आरएसएस की फंडिंग कौन करता है, बीएसपी की फंडिंग कौन करता है, बजरंग दल की फंडिंग कौन करता है, उसका पैसा कहां कहां से आता है। आप बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, लाखों करोड़ों खर्च होते हैं, उसका आप कोई हिसाब देने वाले नहीं है। देश के लिए कानून कुछ और, भाजपा के नेताओं के लिए कानून कुछ और। हले हरे प्रदेश में भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन देश की तमाम एजेंसियों को कांग्रेस नेताओं के ऊपर छोड़ रखा है, लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। हम लोगों का 130 साल पुराना इतिहास है दोस्तों, हमको मिलकर संघर्ष करना है। आज देश को जरूरत है, आवाम को जरूरत है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर सब लोग सब वर्ग के समय हम संघर्ष करेंगे। और मैं अंत में इतना कहना चाहता हूं कि इस देश को नोटबंदी के जाल में फंसाकर आप अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री को चाहिए, व्यक्ति किसी पार्टी किसी दल का हो, अगर देश को तोड़ने की बात करता है तो आपको कठोर कदम उठाने चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के नेतृत्व से, मोदी साहब से, कि आपने क्या कदम उठाया साक्षी महाराज के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। ये लोग जो देश और समाज को तोड़ने की बात करते हैं, इनको आप मुंह बंद करके मौन स्वीकृति देते हैं, और आप विकास की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। अब देश समझ चुका है आप लोगों को और भ्रमित नहीं कर सकते। आज के अधिवेशन के बाद मैं समझता हूँ नई ऊर्जा और ताकत से कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे, और इस नोटबंदी के खिलाफ देश में जो आवाज उठानी है उसको राहुल गांधी के जो आज खुलासा होगा हमारे आने वाले कार्यक्रम का, उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपका कि मुझे आपने बोलने का मौका दिया। जय हिंद।